हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीता किचन में। आज हम लेके आए हैं टमाटर चाप बनाने की रेसिपी। आज की रेसिपी ना आपको बेहद पसंद आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में और बनाना बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए बनेंगे फिलिंग। तो हमने यहाँ पे गैस पे पैन रखे, इसमें 1 चम्मच सरसों के तेल डालेंगे। तेल को बढ़िया से गरम कर लीजिएगा। इसमें हम डाल देंगे जीरा, जीरा अच्छे से चटक जाए। तरस करा हुआ अदरक डालेंगे। आप यहाँ पे लहसुन भी ले सकते हैं। इनको हम हल्का सा भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं भूनना है अदरक को, बस हल्का सा भूनेंगे। साथ ही हम यहाँ पे 1 मीडियम साइज की प्याज लिए हैं, जिनको हमने बारीक काट लिए हैं। प्याज डाल देते हैं। साथ ही इसमें हम 2 हरी मिर्ची डालेंगे। तो ये तीखी वाली है हरी मिर्ची, हमने यहाँ पे 2 हरी मिर्ची डाल दिए हैं। अब इनको हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। साथ ही हम यहाँ पे आलू डाल देंगे, बॉयल करा हुआ आलू है। इनको हम छील के इस तरीके से मैश करके लिए हैं। 3 आलू है जिनको मैश करके लिए हैं। आलू डालने के बाद इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही 1 चुटकी गरम मसाला, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 ही चुटकी हम डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर। वैसे हमने हरी मिर्ची डाले थे, बस थोड़ी सी डाल लेते हैं ताकि ये चटपटा बने। ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे बारीक काट के। अब इन सारे चीज़ को हम 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए मिक्स करते हुए इनकी हम भुनाई कर लेते हैं। जितना बढ़िया से इनको भूनेंगे ना, उतना ही ज़्यादा ये फिलिंग ना टेस्टी बनेगा। इनको हम 2 से 3 मिनट इस तरीके से मैश करते हुए चलाते हुए भूनेंगे। तो यहाँ पे हम 3 मिनट के लिए इनको हाई फ्लेम पे भूने हैं और इनसे बहुत ही अच्छा खुशबू भी आने लग गया है। इनको हम थाली में निकाल के साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे हम बना लेते हैं घोल सबसे पहले, ताकि रेस्ट के लिए रखेंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी करारा बनेगा। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन डाल दी है बाउल में। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। साथ ही फ्लेवर के लिए अजवाइन डाल रहे हैं, अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर जाता है तो ज़रूर से डाल लीजिएगा। कूटी हुई मिर्ची डालेंगे, तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके रखें। और 1 चुटकी यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे, बस ज़रा से डालना है। साथ ही 1 चुटकी गरम मसाला डालेंगे। आप गरम मसाला की जगह पे काली मिर्च का पाउडर ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे भी हरा धनिया डालेंगे। क्रिस्पी के लिए हम यहाँ पे 1 चम्मच चावल के आटे डाल दिए हैं। इनको अच्छे से एक बार मिला लेते हैं। थोड़ी थोड़ी करके पानी डालेंगे। इनका हमें गाढ़ा सा घोल बना के तैयार करना है। अगर आप चावल के आटे नहीं डालना चाहते हैं तो थोड़ी सी इसमें घी या तेल डाल लीजिएगा, उससे भी बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेगा। सारे चीज़ को हमने अच्छे से मिलाया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इस तरीके से हमें घोल बना के तैयार किया है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। घोल को रेस्ट के लिए हम साइड में रखते हैं। हमने यहाँ पे 8 से 9 टमाटर लिए हैं। टमाटर मीडियम ही साइज़ की हो या छोटी साइज़ की हो तो चलेगा, बड़ी साइज की मत लेना, छोटी या मीडियम जो भी हो आपके पास लेना। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज की टमाटर ली हूँ। अब टमाटर को क्या करेंगे, साइड वाला पार्ट को इस तरीके से कट करके इनके जो बीच वाला पल्प होते हैं ना उनको निकाल लेंगे। इनको हम यूज कर लेंगे सब्जी में, बीच वाला पल्प को इस तरीके से निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, ये शुद्ध देसी टमाटर है, ये ज़्यादा खट्टी होती है इसलिए हम पूरा पल्प निकाल लिए हैं। जो मार्केट वाली होती है ना हाइब्रिड वाली, उससे पूरा पल्प मत निकालिएगा, नहीं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा बहुत तो खट्टी रहनी चाहिए ना। तो इस तरीके से हमने सारे टमाटर से पल्प निकाल लिए हैं। इसमें फिलिंग भरेंगे पूरा दबा दबा के। तो आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भरिए, अगर कम पसंद है तो कम भर सकते हैं, लेकिन इनमें पूरा फिलिंग भरिएगा तभी ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसी तरीके से हमने सारा फिलिंग ना भर के तैयार कर लिए हैं सारे टमाटर में। अब इनको साइड में रखते हैं। घोल को ना एक बार मिला लीजिएगा अच्छे से और इसमें हम टमाटर डाल के टिप करेंगे। तो बस एक एक करके टिप करते हुए इनको हम तेल में छोड़ेंगे। तभी हमने 1 टमाटर लिए, इसको इस तरीके से हम इनको टिप करेंगे। तो घोल को ना इतना ही ठीक रखिएगा कि इसमें लेयर लग जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से टिप करेंगे और तेल को बढ़िया से गर्म कर लेना है। देखिए तेल बढ़िया से गर्म हो जाए, उसके बाद गैस को मीडियम करना है और इसमें हम डाल देंगे। तो हम पैन में इसलिए बना रहे हैं ताकि एक ही बार में सारे ना बन जाए, तो आप इनको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो सारे टमाटर को हमने डाल दिए हैं। अब चम्मच लिए इस तरीके से तेल ऊपर से डाल देते हैं।
कढ़ाई में बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं डालने पड़ेंगे। आप पैन में बना रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी करके इस तरीके से डाल लीजिए ताकि ऊपर से भी सीख जाए। जब ये लगे कि अंदर से सीख गए हैं तब इनको हम पलट लेंगे। तो देखिए अंदर से ना अच्छे से सीख गए हैं, तो हम इनको पलट लेते हैं और चारों साइड से हम इनको घुमाते हुए सेकेंगे। तो इनको फ्राई करने में आपको 3 से 4 मिनट लगेगा अच्छे से क्रिस्पी करके सुनहरा करके फ्राई करने में। तो इसी तरीके से ना आप अलट पलट करते हुए ही फ्राई करिएगा ताकि ये कहीं से कच्चा ना रहे। तो हमने इनको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया है और देखिए कितना बढ़िया प्यारा कलर आ गया है। अब इनको क्या करेंगे, हम छान के निकाल लेंगे। हम यहाँ पे पहले तो बड़ी वाली छन्नी लिए, इसमें निकाल लेते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल हो ना वापसी पेन में चले जाए और ये बिल्कुल ऑयली ना हो। हमने इनको सारे को छान लिए हैं, 1 मिनट के लिए से ही रखते हैं, उसके बाद चलते हैं फटाफट से गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म टमाटर चाप बन के तैयार है। आप इनको इंजॉय करिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बड़े बच्चे सभी पसंद करेंगे, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।